पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज का 317 विधानसभा सिसवा, जहां कई जमीनी सुविधाएं नदारत हैं, वहीं जनपद का यह क्षेत्र कभी बाढ़ तो कभी सूखे की चपेट में आता रहता है। पर चुनाव जीतने वाले नेताओं ने इस क्षेत्र को और भी पीछे छोड़ दिया है। यह किसी नेता के विरुद्ध प्रचार प्रसार नहीं, हकीकत है और अपने बर्बादी की बर-बर दास्ता बयान करती तस्वीरें हैं, जो क्षेत्रीय नेताओं व सिस्टम पर महज सवाल ही नहीं जोरदार तमाचा है। और यह संदेश है कि आप नहीं तो भी हम हैं और पुल बना सकते हैं, भले ही बांस बल्ली का ही क्यों नहीं। सिस्टम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर इस नदी पे पुल होता तो यहाँ बांस और बल्ली के पुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नेता हम लोगों के बीच में चुनाव लड़ने आते हैं, 4 साल 11 महीना जनता के बीच से गायब रहते हैं, दिल्ली लखनऊ में ऐश करते हैं, और जब चुनाव आता है तो 1 महीना दरवाजे दरवाजे घूम के वोट मांगते हैं, कहते हैं हम विकास की गंगा बहाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आप देखिए, इस पुल को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कई सालों से इस नदी पे पुल नहीं है। यहाँ की जनता जो है, जनता को आने जाने में परेशानी होती है। इस नदी के अगल बगल में 2 विधानसभा पड़ते हैं, दोनों विधानसभा को जोड़ने वाला ये नदी है, और अगल बगल में लगभग जो है सैकड़ों गाँव हैं, सैकड़ों गाँव से लोग आते जाते रहते हैं, उनको जो है नदी में पैदल आने जाने की मजबूरी पड़ती है, बाढ़ के समय में उनको परेशानियाँ होती है। इसलिए जो है यहाँ के जो लोकल के मल्ला है, वो बांस और लकड़ी का पुल बना करके जनता को आने जाने के लिए जो है उन्होंने यह सुविधा व्यवस्था की है। बता दें कि सिसवा विधानसभा का एक गांव सुकरहर, जो सिसवा और नौतनवा विधानसभा के बीच बसा गांव है, और इन दोनों विधानसभाओं को चंदन नदी जोड़ती है, जिस पर यदि पुल हो तो मीलों का सफर मात्र चंद मिनटों में पार करने मात्र से समाप्त हो जाएगा। पर इस गांव के लोगों को महज एक पुल नसीब नहीं है। वैसे तो यहां आने वाले हर नेता से ग्रामीणों को यह दरकार होता है कि पुल बन जाए, पर वादे पूरे नहीं होते हैं। चुनाव के इस मौसम में एक बार फिर गांव आने का रुख नेताओं ने किया, तो अब ग्रामीण पुल व विकास के मुद्दे पर सवाल पूछने लगे हैं, और ग्रामीणों का यह कहना है कि हमारा वोट उसी को जो पुल के निर्माण की पहल करेगा। पुल को देख के क्या बताएं, पुल को तो देख के अपनी दुर्दशा याद आती है। अभी तो आज की स्थिति में थोड़ा सा ये काट का ये मल्ला लोग थोड़ा सा पुल बना दिए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर से निकलने पानी के रास्ते पैदल जाना पड़ता है। क्या कहते हैं नेताओं को आज चुनाव, या क्या कहेंगे यहाँ के नेताओं या यहाँ के चुनाव के विषय में? हम क्या कहें, यहाँ इस क्षेत्र का विकास ही इतना गिरा हुआ है, उसके बावजूद सब वोट मांगने के लिए घर पे आते हैं और विकास हित की बात करते हैं। आप लोग इस बार क्या वोट करेंगे? इस बार वोट करने का क्या बताएं, यहाँ तो हमारे क्षेत्र में वोट करने का ही विचार नहीं है किसी का। हम चाहेंगे कि ये पुल जल्दी से जल्दी बन जाए और हमारे क्षेत्र का विकास हो। नेता अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा विकास करेगा, अगर अच्छा नहीं है तो इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, और विकास बहुत मतलब यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। जिन गाँव से आगमन का ये रास्ता जुड़ा हुआ है, ये पुल बना है, इससे जिस गाँव के लोग आते हैं, उन लोगों को इस पुल को बनाने के बाद क्या यहाँ के नेताओं को वोट देना चाहिए? नहीं, ऐसी स्थिति में तो यहाँ के नेताओं को वोट देने लायक नहीं है। जो स्थिति यहाँ की है, बहुत पब्लिक परेशान है। इस पुल जो बना है काट का, थोड़ा आवागमन के लिए कुछ सुविधा तो हो गया है, लेकिन यहाँ पुल बनाना बहुत ज़रूरी है। सरकारें जहाँ विकास की बात करती हैं, वहीं यूपी का जनपद महाराजगंज कितना विकासशील है, यह अंदाज़ा इस बांस बल्ली के पुल से लगाया जा सकता है। यह पुल महज एक पुल ही नहीं है, सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। अगर हम यहां की आमजन की भाषा में कहें तो क्षेत्रीय नेताओं और सड़े सिस्टम पर असहाय गरीबों व मजदूरों का जोरदार तमाचा है, और विकास न हो पाने का संदेश। कैमरामैन विजय प्रकाश पांडे के साथ गुलाम गौस, महाराजगंज, सेटेलाइट न्यूज़।